स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड डायरेक्ट प्रपोजल. व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोजल्स? ओके, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इज सेट टू बी द डायरेक्ट प्रपोजल इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स आप अगर किसी रेशियो वाले नंबर को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, अगर उनका जो प्रपोजन से मतलब उनको कटने के बाद में सेम नंबर आता है, ओके, तो वो किस में होगा? डायरेक्ट प्रपोजन्स में. इज इट क्लियर? ठीक है, कि मतलब वो सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में होना चाहिए. ओके, रेशियो में हम क्या करते हैं, डिवाइड नंबर्स को कट करते हैं और कट करने पे उनकी वैल्यूज है वो क्या होगी, रिमेनिंग सेम आएगी. ओके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोजन्स. और जिसमें वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, चाहे आप उसको इंक्रीज करो डिक्रीज करो, है ना. फर्स्ट इंक्रीज होगा तो सेकेंड वन क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, और सेकेंड वन डिक्रीज होगा, फर्स्ट वन डिक्रीज होगा तो सेकेंड वन क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रपोजन्स. नाउ वी स्टार्ट अवर यूनिट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड इट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज. ठीक है, कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटीज भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, है ना. तो ये कौन सा प्रपोजन हो गया, डायरेक्ट प्रपोजन. बिटवीन वाटर एंड टैंक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. ठीक है, अब वाटर टैंक तो आपको पता ही है बेटा कि जितना पानी होगा उतने पानी लोगों तक पहुँचेगा, है ना, और पानी नहीं होगा तो नहीं पहुँचेगा. ओके, तो दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, इनवर्ड्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो. अ लैडर ऑफ इज स्लीपिंग बाय द साइड ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम बॉटम एंड डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द वॉल. ये भी टॉप्स टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों होगा तो ये भी क्या हो गया, इनवर्ड्स रिलेशन हो गया. ओके, एज इट इज बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन एंड सफिशियंट फूड, क्या हो गया, ये इनवर्ड्स हो गया कि आपके जितना खाना होगा उतना ही अमाउंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, वैल्यू है उसकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ सेवन शुगर कॉस्ट इज रुपीज 115.50, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 केजी शुगर. अब यहाँ पे क्लियर है कि आपको अगर 7 केजी शुगर खरीदना है तो उसके लिए आपको 115.50 रुपीज पे करना पड़ेगा. तो 12 का क्या होगा, तो ये अगर 7 का इतना है तो 12 का लेंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ओके, दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, देखो 7 से 12 भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो भी क्या आएगा, इंक्रीज ऑर्डर में आएगा. तो हम कैसे लिखेंगे, इधर हमने वैट लिख दिया देन कॉस्ट. 7 केजी खरीदेंगे तो 115.50 रुपीज़ देना है और 12 केजी खरीदेंगे तो हमको फाइन करना है कि कितना देना है. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स. ओके, नाउ राइट डाउन इन द प्रपोजन मैनर. प्रपोजन में कैसे लिखेंगे, 7:12 प्रपोजन्स 115:x. ओके, अब प्रपोजन्स को कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट अगर डायरेक्ट में होगा तो आपको फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को किससे करना है, थर्ड से. ओके, तो क्या हो गया, 7x इक्वल्स टू 12:115.50 रुपीज़. ओके, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे कैसे जाएगा, डिवाइड में. ओके, नाउ 115.50 में 12 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करेंगे सो व्हाट इज अवर आंसर, 198. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 मैन कैन फिनिश द वर्क ऑफ 27 डेज. 6 मैन किसी काम को करने में 27 डेज लेते हैं तो हाउ लॉन्ग वुड 9 मैन टेक अ कंप्लीट द सेम वर्क. और उसी काम को अगर 9 लोग करेंगे तो कितना होगा. ऑब्वियसली अंडरस्टूड है बेटा कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा रहे हैं, 6 मैन को बढ़ा रहे हैं तो वो 27 डेज ले रहे हैं, तो 9 लोग होंगे तो क्या होंगे, डेज, नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा. तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजन है, इनवर्स प्रपोजन्स. ओके, सो मैन कितना है, 6 मैन है वो 27 डेज ले रहे हैं तो 9 क्या होगा, एक्स मानेंगे हम, अभी हमको नहीं पता है. तो ये कौन सा प्रपोजन्स हो गया, इनवर्स प्रपोजन है. तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो 9 प्रपोजन 6. ओके, मतलब उल्टा ऊपर वाली डायरेक्शन में चलना है आपको, 9 प्रपोजन 6 प्रपोजन 27 एक्स रेशो एक्स. ओके, अब हमने क्या किया भाई, सेम मेथड, फर्स्ट टू लास्ट एंड सेकंड टू थर्ड. तो 6 का 27 में मल्टीप्लाई होगा और 9 का डिवाइड होगा तो 9 की टेबल से काट दे, 9 3 27 और 6 3 18. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, 18 डेज. एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 पर्सन कैन व्यू 168 शोल्स इन 14 डेज. 3 पर्सन मिलके 168 शोल बनाते हैं 14 डेज में, हाउ मेनी विल बी वून बाय 8 पर्सन इन 5 डेज. तो 8 व्यक्तियों के द्वारा 5 डेज में कितना बनाएगा, अगेन इट इज डिक्रीजेस
नंबर ऑफ पर्सन इज इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ डेज एंड शोल्स विल बी डिक्रीजेस. ओके, तो क्या होगा, दोनों काम होंगे, तो इसमें भी कौन सा प्रपोजन होगा, इनवर्स प्रपोजन. सो किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पे थ्री थिंग्स दे रखी है, पर्सन, डेज एंड शोल्स. सो राइट डाउन थ्री. पर्सन कितने, थ्री पर्सन है, 14 डेज में 168 शोल्स बनाएंगे, तो 8 पर्सन 5 डेज में कितने बनाएंगे, हमको नहीं पता है, सो वी राइट हियर एक्स. ओके, ये दोनों देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये क्या होगा, आप इसको 3:14:x. ओके, फर्स्ट टू लास्ट 8×5×68. ओके, इस तरीके से चलेगा. ओके, नाउ क्या करेंगे, वापस से ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में. ओके, अब हम उसको जो आपको कट करना है कट कर दीजिए, 3×3, 3×5×15, 1×18 हो गया, 3×6×18. ओके, क्लियर है, 2 की टेबल से कट कर देते हैं, 2×4×8, 2×7×14. अब नहीं कटोगा ये, तो 56×5×4 करके हम 7 का डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इज आवर आंसर, 160. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. इफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग 160 kg ऑफ गुड इज 125 किलोमीटर इज ₹60. ओके, अगर हम 160 kg का ट्रांसपोर्ट 125 किलोमीटर करेंगे तो हमको उसके लिए कितना पे करना है, ₹60. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 200 kg ऑफ द गुड इन 400 किलोमीटर. तो 200 kg को 400 किलोमीटर तक हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा. अगेन वेट, डिस्टेंस, कॉस्ट एज इट इज 160 एज इट इज नंबर्स लिख दिए. ठीक है, अब क्या होगा, 160×200. ओके, देन 400×125×60×x होगा, तो x यहीं रह जाएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर इसके नीचे आ गए, दो देन कट डाउन, 0 से 0 कट कर दिया. ठीक है, अब किसके टेबल से कट करना है, जो आपको सबसे बड़ी टेबल लगती है आप उसको यूज़ कर लीजिए. 25 के टेबल से हम इसको कट कर रहे हैं, 25 के टेबल में 125 कितने टाइम्स आएंगे, 5 बार, और 25 के टेबल में 200 कितने टाइम्स आएंगे, 8 बार, क्योंकि 100 है वो 4 टाइम्स आते, तो ऑब्वियसली जो 200 है वो 8 टाइम्स आएंगे. ठीक है, और 8×8, 8×2×16. ओके, और 2 के टेबल से कट करते, 2×2×4, 0, 0, 5×5, 5×4×20, 0 का 0. ओके, और 4×6×20, 4×0 का 0 एज इट इज. ओके, सो आवर आंसर इज 240. ओके, नाउ एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से मैंने कंप्लीट किए हैं. आपको इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके और समझ के कि डायरेक्ट प्रपोजन्स में है या इनडायरेक्ट में प्रपोजन्स में है, कंप्लीट करना है आपको उसको नोटबुक में. ओके, थैंक यू.